Earlier in an interview with ANS, a Jaipur-based filmmaker Praatik Sharma, who had finished making Gutrun Gutar Gun in 2015, said that they moved the court against the makers of Akshay Kumar's star Tolitik Prem Katha for allegedly lifting the punchline and the subject from his film. After the director of the film, when the lead actress Asmita Sharma was asked, are they feeling pressurized to stand against Tolitik Prem Katha as it stars big actors? Then Asmita said, हाँ हम बिल्कुल प्रेशर फील नहीं करते हैं बिकॉज अगर प्रेशर फील कर रहे होते तो हम इस तरह से इतने फ्रंट में हम नहीं आते. हमें इनफैक्ट जब हम कोर्ट में जा रहे थे तो हमें बहुत सारे हमारे दोस्तों ने समझाया कि फिल्म तो एक जैसी है लेकिन कोर्ट में जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दे आर बिग पीपल. हमने कहा कि कोर्ट के लिए शायद बिग और स्मॉल होता नहीं है. कोर्ट जो है वो प्रूफ देखती है, कोर्ट जो है वो तथ्यों को देखती है एंड तथ्य हमारे सामने है, तथ्य पब्लिक के सामने है. हज़ारों लोगों ने इस फिल्म को देख रखी है. न जाने कितनी हमने स्क्रीनिंग की है इस फिल्म की सिर्फ इसलिए कि हमारी फिल्म को एक बड़ा सपोर्ट मिले, एक बैकिंग मिले, एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिले. बिकॉज जब हमने इस स्क्रिप्ट को लिखा था हमने किसी से शेयर नहीं किया था बिकॉज हमें पता है कि इंडस्ट्री में स्टोरीज की बहुत कमी है. अगर आप जाएंगे कि बॉस ये फिल्म हम बनाना चाहते हैं आप थोड़े पैसे दे दो, तो आप जब तक घर जाते हो तब तक वो फिल्म बननी शुरू हो जाती है. तो हमें ये पता था कि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत न्यू है, हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमने अपना सब कुछ लगाया है इस फिल्म में. इस फिल्म के पीछे हमारी 3 साल की मेहनत है जिसको लेके हम चल रहे हैं एंड ये पूरी का पूरा अन्याय है. आप ऐसा करते हैं हमारे साथ, ये पूरी की पूरी दादागिरी है. पैसा लेने के बाद, थिएटर की लिस्ट देने के बाद आप एंड वक्त पे हमें ये कह दें कि आपकी फिल्म हम नहीं रिलीज़ कर रहे हैं या फिर आप रिलीज़ करोगे तो हम उतार देंगे एक कॉल पे, तो ये तो गलत है. About the matter, when ANS contacted the makers of Tolitik Prem Katha about the allegation, they refused to comment. Now let's wait for July 22 hearing, where both the makers of the film will come face to face.